हेलो दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पीपी टेक में तो दोस्तों आज की नई अपडेट आप देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह विद्यालय की तरफ से आज की नई अपडेट आप देख सकते हैं एम एड एंट्रेंस एग्ज़ाम दो हज़ार तेईस में एडमिशन डेट जारी कर दी गई है और काउंसलिंग शुरू होने में लगेगा समय शीशु के द्वारा भी अपडेट जो निकल के आई है वो एडमिशन बताया गया जो आपने हाल ही में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसकी आंसर की जारी कर दी गई है और दोस्तों रिजल्ट है वो कब जारी होगा एडमिशन डेट जार... जारी आ चुकी है और काउंसलिंग कब शुरू होगी पूरा नोटिस के माध्यम से बताया गया है आप लास्ट वीडियो बने रहिए और जो आपके दोस्तों कुछ डाउट होंगे वो वीडियो के माध्यम से क्लियर हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रही थी कि सर रिजल्ट कब तक आएगा एडमिशन कब शुरू होंगे और काउंसलिंग कब शुरू होने वाली है तो जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं तो लास्ट वीडियो बने रहिए और देखिए फुल प्रोसेसर तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पहले से लिंक ओपन किया हुआ है सी एस्ट साइड का इस लिंक पर आने के लिए दोस्तों मिलकर करना होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा यहीं से लिंक ओपन हो जाएगा इस साइड पर तो सिंपली आपको नीचे आना है आने के बाद दोस्तों आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन सेक्शन देख सकते हैं आप दोस्तों ये रहा सेक्शन प्रेस लीज पर आप यहाँ पर आएंगे जो भी अपडेट आती है यूनिवर्सिटी की आपको यहाँ पर देख सकते हैं तो सिंपली आप जैसे आएंगे आने के बाद उसमें तो आपको दिखाई देगा ये इम्पोटेंट नोटिस आज की डेट में दिया गया है एम एड मैनेट्री एडमिशन दो हज़ार तेईस के लिए ये सभी के लिए है जो आपने अगर आपने एडमिशन लेना चाहते हैं एम में दो के लिए तो आपके लिए सभी के नोटिस जरूरी है पढ़ना इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ये नोटिस आपका ओपन हो जाएगा पी के माध्यम से आप ओपन कर लेंगे तो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है आप पर देख सकते हैं अब जो जानकारी दोस्तों दी गई इसमें इस से अच्छे से पॉइंट को पढ़ लेते हैं इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं इसमें छः पॉइंट दिए गए हैं और जो आपके जो नीचे गए हैं इसमें भी पाँच पॉइंट दिए गए हैं इंपोर्टेंट नोटिस के हिसाब से तो जो चीज़ें बताई गई है मैं छोटे छोटे शब्दों में आपको समझा देता हूँ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो इसमें दोस्तों ये चीज़ें बताई गई है फर्स्ट पॉइंट्स आपको सब चीज़ें समझा देते हैं जो अभी हाल ही में एडमिशन होने वाले हैं एम में दो दो वर्ष के लिए तो दो सौ उसमें चार सेमेस्टर होते हैं दो वर्ष में इसके हिसाब से ये एडमिशन जो स्टार्ट होने वाले हैं वो आपकी डेट कब दी गई है वो नीचे भी मेंशन की गई है अब दो हज़ार तेईस में आपको जो सत्र है जो एडमिशन लेंगे न्यू स्टूडेंट वो आपका तेईस से पच्चीस शस्त्र होने वाला है फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है जो आपके यहाँ पर सामने कोर्स दिए गए हैं जैसे बी एड बी टी सी डी एल एड बी एल एड स्नातक और डी एल एड तो दोस्तों आपकी इसमें पचास परसेंट होनी ज़रूरी है कोर्सों में जब भी आपका एडमिशन मिलना संभव होगा और दोस्तों नीचे एक पॉइंट दिया गया है बी ए बी एड बी एस सी बी एड बी कॉम बी एड आपकी उपाधि होनी चाहिए और दो हज़ार सत्तर तेईस के लिए बी एड बी सी एल डी एल एड डी एल एड और बी एस सी बी एड बी कॉम बी एड एम एड बी एड तो इसमें आपके आग्रह नहीं होंगे अगर और अपने कोर्स नहीं किया है छोटे मोटे शब्द आपको समझा देते हैं अगर दोस्तों आपका कोर्स कभी कोई सो कम्प्लीट नहीं है तो आपको एडमिशन मिलने में आपका संभावना बहुत कम बनी गई है तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपको प्रवेश के लिए आग्रह नहीं होंगे अगर आपको दोस्तों कोर्स कम्प्लीट है कोई दिक्कत नहीं है आपको क्लियर पास आउट है तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा एम में अगर आपने इंटर एग्ज़ाम दिया है तो दोस्तों सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी सेकेंड पॉइंट में बताया गया है आपको फर्स्ट बिंदो एम एड एडमिशन के लिए जनरल ओबीसी के लिए आपको पचास परसेंट होनी ज़रूरी है जब भी आपको एडमिशन मिल पाएगा और एस सी एस टी में दोस्तों आपकी पैंतालीस परसेंट होनी चाहिए जो अगर को अपने जो कोर्स किया है चाहे बी टी सी आपने की हो बी एड की हो डी एल एड की हो बी सी बी ए बी एड आपने जो को भी कोर्स किया हो एम एड मेडिसिन लेने के लिए आपके पैंतालीस परसेंट होनी जरूरी है और पचास परसेंट होनी जरूरी है कास्ट वाइज दोस्तों यहाँ पर बताया गया है आप दोस्तों दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर पढ़ सकते हैं छोटे मोटे शब्द में आपको मैं डील क्लियर बता देता हूँ तो सिंपली आएंगे थर्ड पॉइंट पर आप देख सकते हैं एम एड प्रवेश के लिए मेरिट जब कुछ जारी होगी वो किसके आधार पर होगी वो बी एड शैक्षिक अंक का आधार पर जारी कर दी जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्रवेश अभी हाल ही में स्टार्ट होने वाली है बीवी ने एक प्लान तैयार किया है विश्वविद्यालय द्वारा जो प्लान तैयार हुआ है वो जो बी एड के मार्क्स होंगे उसके आधार पर आपका आप एडमिशन कराया जाएगा उसके मेरिट के आधार पर भी आपकी सूची जारी होगी ठीक है दोस्तों सिंपली फोर पॉइंट आप पढ़ सकते हैं एस एल पी जो कोटे वाले लोग स्टूडेंट हैं फोर पॉइंट के दोस्तों एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं इससे बताया गया है कि जो एस एल संस्थानों के कोटे वाले स्टूडेंट हैं उन्हें तीन संस्थानों को आपको एवोन करना होगा यानी आपको तीन कॉलेज का को नाम आपको डालने होंगे वो क्यों डालने होंगे वो आपको नीचे लास्ट में पॉइंट भी बताया जाएगा ठीक है दोस्तों पाँच नंबर पर आप पढ़ लेते हैं अभ्यर्थी तीन संस्थानों का विकल्प अपने विधेयता क्रम के अनुसार सुनिश्चित करेगा यानी अब जो एडमिशन आपका फॉर्म फिल करेंगे ठीक है उसके हिसाब से आपको तीन कॉलेज आपको ऐड करने होंगे या आपको जो भी कॉलेज आपको होता है गवर्नमेंट में आता है या आपका प्राइवेट कॉलेज में आता है या सेल्फ फाइनेंस में तो दोस्तों आपको तीन कॉलेज के नाम वहाँ पर डालने होंगे ठीक है और उसके हिसाब से अपना कॉलेज को आपका तय कर लें कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसके हिसाब का आपको एडमिशन वहाँ पर मिल पाएगा अगर दोस्तों सीट फुल हो जाती है तो आपको एडमिशन मिलने में बहुत कठिनाई हो सकती है अब दोस्तों छः नंबर पर आपको जो दिया गया है पोर्टल में बता दिया गया है पोर्टल में आपको पंजीकरण करना होगा एक सौ फ़ीस आपको पे करनी होगी ऑनलाइन के माध्यम से और दोस्तों उसके हिसाब से आपकी दो प्रतिलिपि पंजीकृत आवेदन की दो भी आपको निकलेगी एक आपको कॉलेज में जमा करनी होगी एक यूनिवर्सिटी में आपको जमा करनी होगी तो दोस्तों यूनिवर्सिटी आपका कोई मैटर नहीं है वो आपको से आपको जो प्रति निकलेगी यानी कि जो फोटो कापी आपकी निकलेगी केवल आपको कॉलेज में जमा करनी है वो अपना ऑटोमेटिक वहाँ पर कॉलेज विश्वविद्यालय में जमा कर देंगे तो दोस्तों जो आपकी प्रिंट आउट निकलेगा वो आपको कॉलेज में ले जाना होगा जब आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे काउंसिलिंग डेट स्टार्ट हो जाएगी अब जो मेन पॉइंट है अब दोस्तों नीचे आते हैं आप यहाँ देख सकते हैं इसमें साफ चीज़ें बताई गई है जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले आपके पोर्टल के वो दस तारीख में होने वाले हैं यानी आपको जो एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं वो आपको दस अक्टूबर में स्टार्ट कर दिए जाएंगे अब दोस्तों देख सकते हैं अब जो रिजल्ट आने वाला है यानी आपका इस वीक में रिज़ल्ट आने की संभावना बनी हुई है दस तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा दशम क्लोज की डेट है आपकी पच्चीस तारीख यहाँ पर डेट लास्ट है पच्चीस अक्टूबर इसी बीच में आपको जो भी कोर्स आपने कम्प्लीट कर लिया है उसके अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपडेट करा लें और जो जो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं था उन्हें चांस दिया गया था पाँच तारीख का आज लास्ट डेट है वो अपने जो मार्क्स हैं उन्हें अपलोड कर लें और अपलोड नहीं किए तो उनका एडमिशन होने में कंफर्म नहीं हो सकता है अब दोस्तों जब मेरिट जारी होगी वो मेरिट कब जारी होगी हम देख सकते हैं मस्ट तो फर्स्ट लिस्ट जो जारी होगी वो आपको अट्ठाईस तारीख में जारी कर जाएगी यानी अट्ठाईस तारीख में आपको जो है फर्स्ट लिस्ट आ सकती है ठीक है ये कंफर्म कर दिया गया है अगर किसी में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कंफर्म कराना होगा कॉलेज में जाकर ये सब चीज़ें आपको जमा करनी होगी जब आपको जैसे ये प्रोसेस रहेगा इसके हिसाब से अब जो आपको एडमिशन चाहिए वो मेरिट के हिसाब से होगा और जो एडमिशन जो प्रोसेस दिया गया है इसके माध्यम से पूरी आपको चीज़ बताई गई है कि समझ सबको आते वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ आपको दी गई है एक बार दोस्तों को क्लियर बता देते हैं आपको पॉइंट जो यहाँ पे दिए गए हैं फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है आपका कोर्स कंप्लीट होने चाहिए जो यहाँ पर दिए गए हैं दूसरे पॉइंट बताया गया आपको परसेंटेज होनी चाहिए और दोस्तों सेकेंड पॉइंट में बता दिया गया परसेंटेज के बारे में बता दिया कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए जिस कोर्स आप एडमिशन लेना चाहते हैं एम एड छर्ड में आपको बता दिया गया है कि जो मैरिट जारी होगी इस आधार पर होगी बी के अंक के आधार पर मैरिट जारी कर दी जाएगी फोर्थ पॉइंट पर बता दिया गया एक्सएन प्रोफोर्टी के लिए है और फाइव फाइव पॉइंट पर आपको बताया गया है जो आपकी सूची जारी होगी सूची के अनुसार आपको तीन कॉलेज आपको ऐड करनी होंगे सिक्स पर बताया गया है आपको जो पंजीकरण करना होगा वो आपको एक सौ फ़ीस लगेगी आपकी वो आपको ऑनलाइन करनी होगी उसका लिंक आपको उस नीचे दे दिया गया है दोस्तों ये रहा और दस तारीख से ले आपका पच्चीस तारीख आपको जो चीज़ें हैं अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे आपको रिजल्ट है रिजल्ट अपलोड करना होगा वो आपको सभी चीज़ें जब भी बताई जाएगी जब आपको यहाँ पर एडमिशन पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा ठीक है वो फर्स्ट मेट कब जारी होगी आपके अट्ठाईस तारीख में जारी कर दी जाएगी तो फुल प्रोसेस के साथ आपको चीज़ें बताई गई है इसके माध्यम से अपना एडमिशन कन्फर्म कर ले जैसे रिजल्ट आपका आएगा ऐसे आपको अपडेट बता दी जाएगी दोस्तों ये थी जानकारी जो आपको फुल बता दी गई है किसी प्रकार की समस्या आपको आती है कमेंट उसका कमेंट कर सकते हैं आपकी हेल्प की जाएगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डायटिस्ट पेज पा सकते हैं और आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत चैनल सपोर्ट बने रखें वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें